बांदा नाव हादसे के पश्चात जिला प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई। आपको बता दें कि डूबे हुए लोगों की खोजबीन के लिए समय पर लोकल के स्थानीय गोताखोरों को ना बुलाने की लापरवाही बरती गई। वहीं जन सहयोग की मदद से बचाव कार्य तो कल ही तुरंत जारी करना था, लेकिन तब प्रशासन NDRF की टीम का इंतजार करता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN। अभी नदी में नहीं कूदा है एक भी सिंगल, एक भी नहीं। देखिए मैडम, नदी के किनारे जितने नदी किनारे जितने, अरे भाई इनके सामने इसलिए कह रहा हूँ कि ये मीडिया के लोग हैं, लेकिन इधर का भी सहयोग होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि उधर के लोग SDM जैसे विधायक जी जिस तरह से लापरवाही अभी बता रहे हैं। लोकल में नहीं संपर्क किया गया ना जो गोताखोर है उनसे, तो बस SDM साहब को तो रोल अच्छा ही रहता नहीं। यहाँ के लोकल के गोताखोर जो स्थानीय स्तर पर जानते हैं नदिया के बारे में, DM बांदा ने ओपन अभी बात चलिए कह रहे, बात छोड़िए, अब देखिए, अब बात सुन लीजिए, चलिए अभी तक आप बात करने से नहीं होता ना। पहले देखिए, कोई भी बंदा अभी, अरे रुक जाइए, कोई भी आदमी अभी तक उतरा नहीं, शाम हो रही है। कहाँ हैं आप, इधर आइए, बताइए मेरी आपसे क्या, आपने कौन सा सहयोग नहीं दिया है बताइए मुझे, मेरी आपसे दिन में कितनी बार बात हुई है कल से, आप बताइए मुझे। एक भी गोताखोर उतरा नदी में, इसका जवाब दीजिए यार। गोताखोर उस तरह नहीं, हमारी नाव तो जहाँ भी कुछ दिखेगा, बिना जन सहयोग के आप इसमें देखिए। पहले एक चीज सुन लीजिए, ये जितनी भी घटनाएं होती है, जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये सब बिना जन सहयोग के हल नहीं होती। इस नदी के किनारे बसने वाले तमाम, नदी में रात दिन काम करने वाले लोगों की लिस्ट बना के टच करिए, उनको दिहाड़ी दीजिए, उनको पैसा दीजिए, सब नाव डेड बॉडी खोज कर रख देंगे। अब हमारे NDRF की, SDRF की, जल पुलिस सब लगी है, करीब 70 आदमी लगा है, लेकिन उनको नीचे के ग्राउंड लेवल की नहीं स्थिति मालूम है। किशनपुर में 6 गोताखोर या 9 गोताखोर लगे हुए हैं? नहीं नहीं, लगे नहीं है। अभी हमारी किशनपुर SDM से बात हुई, मैं भी तो बोल रहा हूँ मैडम, सच को मानिए। अब काम करिए इस पर, चूंकि जवाबदेही हो रही है, पूरा लोग पूरे परिजन सब बात करी रहे आप वहाँ पे, है ना, गोताखोर भी लगी हुई। मुख्यमंत्री जी ने लोकल में संपर्क नहीं किया।